क्या आपके मार्कशीट से भी ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट गायब हो गया है? तलाश रहे हैं आप तो ये वीडियो आपकी यही है। एक्चुअल में ये अजीब सी बात है। चलिए स्वागत है ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमेशा से मेरा वादा रहता है कि हर छोटी सी बड़ी चीज आपको मैं बताता हूँ और आईटीआई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज नहीं होने देता हूँ। कन्फ्यूजन है ग्लोबल आईटीआई पर आइए, यूट्यूब पर जाइए, ग्लोबल आईटीआई लिखिए, उसके आगे अपनी लाइन टाइप कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए बात हो जाती है कुछ बच्चे और कुछ कॉलेज भी, जैसा कि यह बच्चा बता रहा था, अगर ऐसा है तो सच में बुरी स्थिति है। लगता नहीं है कि मतलब इन लोगों को आईटीआई करना चाहिए या ऐसा कॉलेज होना चाहिए। एक बच्चा मुझे फ़ोन किया, ठीक है, फ़ोन किया, सर मैं आईटीआई तो पास हो गया। ठीक है, पास तो हो गए भाई, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। ये आईटीआई क्या है? पास हो गए। बोले सर एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा चलो भाई प्रॉब्लम है तो आप बताओ, पूछ लिया मैंने। कह रहा सर मेरे मार्कशीट पर पास तो लिखा है, टोटल मार्कशीट क्या है? पास है। दो मार्कशीट अभी मैं दिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, जो नए बच्चे होंगे हो सकता हो। मार्कशीट पर पास लिखा है सर, मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पास भी हूँ, लेकिन समस्या है सर कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इन दोनों के सामने सर नंबर नहीं लिखा है, डॉट डॉट लगा दिया है, सर मेरा ये कहाँ चला गया? मैंने कहा कि भाई अब मुझे पता था, ये सवाल पता था, मैं उस बच्चे को डायरेक्टली जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने नहीं दिया। मैंने सोचा कि कम से कम इसी बहाने वो स्ट्रगल करेगा, चार लोगों से पूछेगा, फिर उसको शायद गलती महसूस होगी कि यार मैं आईटीआई करके गलती किया हूँ, या फिर टाइम पास के तरीके से आईटीआई किया हूँ, कभी कॉलेज ही नहीं गया, घर बैठे टीप टाप के, या कभी कोई हो सकता है उसका कुछ तुक्का भिड़ गया, पास हो गया हो। ठीक है, अगर आपके भी दिमाग में ऐसा है तो सच में भाई ये बहुत ही बुरी स्थिति है। फिर आप कोई उम्मीद मत करो कि आपको सरकारी नौकरी या फिर कहीं सफलता मिलने वाली है। अगर मैं कहूँ कि मेरा नाम, मुझे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपने पिता का नाम, माता का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी याद नहीं है, तो फिर मैं क्या ही हूँ? वही हाल यहाँ पर है। तो मैंने कहा कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है, आप अपने कॉलेज से पूछें कि मार्कशीट में ड्राइंग और प्रैक्टिकल का नंबर क्यों नहीं दिखा रहा है आपके। क्या सर कॉलेज से मैं पूछा हूँ, कॉलेज वाले कह रहे हैं अपडेट हो जाएगा, जियो से रही तो और सोने पे सुहागा। मैंने कहा हे प्रभु कौन सा कॉलेज यार, ऐसे कॉलेज में एडमिशन काहे को ले लिए तुम? मैंने बोला भाई ऐसे कॉलेज में एडमिशन क्यों ले लिए तुम जो यही नहीं बता पा रहा है कि ड्राइंग और प्रैक्टिकल कहाँ है? कह रहे सर वो बोल रहे हैं मार्कशीट अपडेट हो जाएगी। मैंने कहा तो ठीक है फिर तो अपडेट होने दीजिए। फिर मैंने सोचा कम से कम इस बच्चों को मैं अवेयर करूँ कि भाई ना तो ऐसे कॉलेज में एडमिशन लो जिसको ये पता है, और दूसरा अगर आप आईटीआई पास हो गए और अभी यही नहीं पता है आपको, तो आपका आईटीआई बेकार है दोस्त, 100% लिखित में दे रहा हूँ, बेकार है, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए मैं बात कर लूँ कि पहले क्या होता था। आपको ही पता है लगभग ग्लोबल आईटीआई में जो बच्चे पहले से जुड़े होंगे, जो पहली बार देख रहे होंगे वीडियो, शायद उनको ना भी पता हो, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो पहले बच्चे जुड़े हैं लगातार मुझसे मेरी वीडियोज देखते हैं, ये सब पता होगा कि आपको पता है ना कि क्या होते हैं आईटीआई में सब्जेक्ट की बात करें। अब इस बच्चे का रिजल्ट देख लो, इसका सेशन क्या है, 2020 में एडमिशन लिया था, 2022 में बच्चा पास हो चुका है। ये पास की मार्कशीट है, कौन सी वाली मार्कशीट है? कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो होती है, ऑल ईयर वाली, कि पूरा रिजल्ट एक ही के अंदर होता है, एक फाइनल मार्कशीट। इसमें देखिए फर्स्ट ईयर का ये वाला जो रिजल्ट है फर्स्ट ईयर का है, और ये वाला रिजल्ट जो है सेकंड ईयर का है। अब थ्योरी का तो नंबर दिखा रहा है कि 65 नंबर पाया है, इधर 33 पाया सेकंड ईयर में, एम्प्लॉयबिलिटी में 32 नंबर पाया है, और इधर 30 नंबर पाया सेकंड ईयर में। वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर में 32 नंबर पाया है, लेकिन सेकंड ईयर में डैश डैश लिखा है। ड्राइंग में 27 नंबर पाया फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में डैश डैश लिखा है। यही डैश डैश वो ढूंढ रहा था कि आखिर बच्चा पास तो है, लेकिन ये इनका नंबर कहाँ गायब हो गया, कहाँ गया? भाई आपको पता है कि 2020 से 21 में जब एग्जाम हुआ था तो उस समय तो कोई बात नहीं, जब 22 में जो एग्जामिनेशन हुए 2022 में, फिर क्या हुआ आपके साथ? एक नया सब्जेक्ट आया कि भाई थ्योरी के अंदर ही हम दे देंगे ईडी और डब्ल्यूसीएस। जब हमने थ्योरी के अंदर इनको दे दिया तो इनको नामो निशान आपके मार्कशीट पर नहीं रहेगा, एक सब्जेक्ट थ्योरी और एक सब्जेक्ट इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो जब ये दोनों इसी के अंदर ही हो गए, इनको आपको अलग से पास करना ही नहीं है, तो फिर मतलब क्या है कि उसको मार्कशीट पर नंबर किस चीज का नंबर देंगे? जब वो 100 नंबर का आपका थ्योरी था, इसी में आपके 12 नंबर ड्राइंग का हो गया, इसी के अंदर 12 नंबर आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन का हो गया, तो फिर जब थ्योरी के अंदर ही सारी कहानी घुस गई, इसी में 38 नंबर ये हो गया, 38 नंबर नहीं क्वेश्चन है ये एक्चुअल में, ठीक है,
तो जब ये 12 12 नंबर इसके अंदर आपके दे दिए गए, थ्योरी के अंदर ही हो गया सारा गेम खत्म, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन क्यों दिखेगा आपको? मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं कि अगर आप मार्कशीट देखोगे ना, ये देखो, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूं, अब शायद आपको दिखे, ठीक है, मैं इसको डिल करने की कोशिश करता हूं कि आपको यहां पर शायद दिखेगा, ये देख रहे हैं, इस बच्चे का फर्स्ट ईयर में दिखा रहा है कि कितना नंबर पाया WCS में, ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दिखा रहा है 32, सेकंड ईयर में कितना, सॉरी फर्स्ट ईयर में ड्राइंग में कितना पाया 50 में 27, लेकिन इधर देख रहे हैं ये सेकंड ईयर है, नीचे वाला सेकंड ईयर है, अब सेकंड ईयर में यहाँ पे डैश, ठीक है, डैश मतलब ये किसका डैश है, ये ED वाला डैश है और ये किसका है, WCS का है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट आपके थ्योरी के अंदर दे दिए गए, जब थ्योरी के अंदर दे दिए गए तो इसीलिए यहाँ से हटा दिया गया, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपकी मार्कशीट सही है, इसके चक्कर में मत फंसो आप। एक और दिखा देता हूं, जब बाद में एग्जामिनेशन हुए और जब मार्कशीट सही आने लगी तो आप देखिए ये 2022 वाला सत्र है, थोड़ा सा वो दिक्कत होगी एक सत्र के, जो पुराने थोड़े से बच्चे हैं ना, जैसे ये वाले, इनके साथ समस्या होगी, ये जो सत्र मैं आपको दिखा रहा था, देखिए सेशन कौन सा वाला सेशन था, ये 20 से 22 वाला, 20 से 22 के सेकेंड ईयर में आपको दिक्कत दिख रही होगी, 20 से 22 के सेकंड ईयर में दिक्कत दिख रही होगी, उसके बाद धीरे धीरे चीजें सही होगी, जब नया मार्कशीट का फॉर्मेट आया 2000, इसका बच्चे का एडमिशन 2022 से 24 में, ठीक है, 2022 से 24 में, अब इसका रिजल्ट आप देखो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब यहां पर देखो, ये रहा, शायद आपको दिख रहा होगा, देखो पहला सब्जेक्ट क्या है भाई, ये है थ्योरी, थ्योरी है, लेकिन यहाँ पर दो स्टार बनाए गए, दो स्टार बनाने का यही मतलब है कि भाई इसको थ्योरी के साथ साथ अब ED प्लस WCS भी मानेंगे DGT के अनुसार, तो इसलिए यहाँ पे डबल स्टार बनाएंगे, और ये 100 नंबर का है, 33 जो है पास करना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ES एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 50 नंबर का है, 17 पर पास करना है, बाकी आपका ये सेशनल हो गया जो कॉलेज के द्वारा नंबर दिया जाता है, सॉरी ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है ऊपर वाला, नीचे वाला सेशनल है, प्रैक्टिकल 250 नंबर का है, पास होने के लिए 150, सेशनल 200 नंबर का है, पास होने के लिए 120, मार्कशीट टोटल 600 की। तो ये है सिस्टम। तो अगर आपका भी ड्राइंग यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन गायब हो गया था, मार्कशीट से डैश डैश आ रहा था, तो मत परेशान हो, वो गायब नहीं हुआ है, आपके अंदर इस जानकारी की अभाव थी। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ITI कर रहे हो तो ITI की एक एक चीजें आप जानो, सिलेबस क्या है, हमारा बोर्ड क्या है, परीक्षाएं कैसे होती हैं, कैसे आपने परीक्षा दिया है, कितने सब्जेक्ट हैं, किसमें कितना पासिंग मार्क होना चाहिए, ये सब कुछ आपको जानना चाहिए। नहीं तो कल को आप जब बाहर निकलोगे किसी प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, कभी इंटरव्यू के लिए कहीं चार लोगों के बीच बातचीत करोगे तो अपनी सिर्फ बेइज्जती कराओगे और अपने उस कॉलेज की भी बेइज्जती कराओगे जहाँ से आप पढ़ाई की हो, बाकी उस यूट्यूब चैनल की भी बेइज्जती कराओगे अगर आप मुझसे पढ़े हो, ठीक है। तो जानकारी रखिए अपने सब्जेक्ट की, अपने ट्रेड की, अपने कोर्स। आज के लिए इतना ही, बहुत ही छोटी सी बात थी लेकिन मैं जानता हूँ बहुत से बच्चे इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते होंगे, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।